स्टूडेंट आई एम दिव्या सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आरसीसी डिज़ाइन के बारे में, तो आज मैं उसके जितने भी फॉर्मूले जो हम सिंगली आरसीसी बीम को डिज़ाइन करने के टाइम यूज़ करते हैं, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ. तो सबसे फर्स्ट, ये मैंने पुराना आप लोगों को लेक्चर में बताया हुआ था, ये हम लोगों का आज उससे हम लोग जो भी मैंने आपको बताया था उससे जितने भी हमको फॉर्मूले बनने हैं जो हमको पढ़ने हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ. तो सबसे फर्स्ट है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है. ठीक है, जहाँ से आपका इमेजिनरी लाइन जाता है मिड सेक्शन से, वहाँ से लेके किसी भी बीम का जो टॉप डिस्टेंस होता है वो आपका एक्स ए कहलाता है. एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं हम उसको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो उसको निकालना सबसे फर्स्ट हमारा जो वर्क होता है, सबसे फर्स्ट हम काम करते हैं. तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है. लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है, एक कंप्रेशन के लिए निकलता है और एक टेंशन के लिए निकलता है. जैसे कि आप इस बीम में देख सकते हो कि जो बीच से जो इमेजिनरी लाइन जाती है, तो ऊपर वाला जो सेक्शन होता है वो हमारा कंप्रेशन कहलाता है और नीचे वाला हमारा टेंशन होता है. ठीक है, तो कंप्रेशन वाला जो आपका साइड है, कंप्रेशन जोन है, उसके लिए फॉर्मूला अलग निकलेगा, टेंशन के लिए अलग फॉर्मूला निकलेगा. फिर दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं और उसके बाद से हमारा वहाँ से एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल जाता है. कैसे निकलता है देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट बात करते हैं कंप्रेशन साइड का. तो कंप्रेशन साइड के लिए होता है फॉर्मूला बी इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई टू. बी क्या है हमारा, विड्थ ऑफ बीम. एक्स ए क्या है हमारा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, तो b की जगह आप पुट कर देंगे विड्थ ऑफ बीम का वैल्यू, बाकी एक्स ए को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्स ए स्क्वायर बाई टू. तो यहाँ से आपको कंप्रेशन साइड के लिए वैल्यू निकल जाएगा. ठीक है, ये लेकिन आपका एक्स ए के फॉर्म में ही रहेगा. सेकेंड हम निकालेंगे ऑन टेंशन साइड. टेंशन साइड के लिए भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो फॉर्मूला होता है m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए. अब ये m होता क्या है, m होता है आपका मॉडुलर रेशियो, जो सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि m क्या है, मॉडुलर रेशियो, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आप आरसीसी डिज़ाइन करते हो तो यहाँ पे दो m यूज़ होते हैं, एक होता है स्मॉल m और एक होता है कैपिटल m. स्मॉल m हमेशा मॉडुलर रेशियो को डिनोट करता है, ठीक है, और कैपिटल m हमेशा मूवमेंट को डिनोट करता है. तो कभी भी स्मॉल m की जगह कैपिटल m मत लिखिएगा और कैपिटल m की जगह स्मॉल m मत लिखिएगा, अदरवाइज आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. तो स्मॉल m क्या है, मॉडुलर रेशियो. मॉडुलर रेशियो मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का रेशियो इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट. ठीक है, इसमें हम इलास्टिसिटी को काउंट करते हैं. तो जिसके लिए आपको बहुत सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा सीबीसी. ठीक है, सिग्मा सीबीसी कैसे लेना है ये तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में. सिग्मा सीबीसी हम कैसे लेते हैं, हम सिग्मा सीबीसी कैसे लेंगे, आपका जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट रहेगा, ठीक है, जैसे M15 है तो वहाँ पे सिग्मा सीबीसी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. M20 है तो 7 आ जाएगा. तो इस तरीके से आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको स्मॉल m का वैल्यू जो है वो आपको निकल जाएगा. तो यहाँ पे आप स्मॉल m का वैल्यू पुट करोगे. अब सेकंड बात करते हैं हम AST की. AST मतलब कि एरिया ऑफ स्टील. ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी बहुत ईजी है. इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बार्स इंटू पाई बाई 4 इंटू डायामीटर स्क्वायर. डायामीटर किसका, स्टील का. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एरिया ऑफ स्टील निकाल रहे हैं. तो जिस स्टील का हमको एरिया चाहिए, हमको उसका डायामीटर भी पता होना चाहिए, व्यास पता होना चाहिए. हमको अगर डायामीटर ही नहीं पता है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना. तो हमको डायामीटर चाहिए होता है. तो जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 20 mm का डायामीटर यूज़ हुआ है, या 20 mm फाई से डिनोट करते हैं जनरली हम इसको डायामीटर को, तो फाई दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर 20 mm का डायामीटर लिखा हुआ है. तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में क्या पुट करोगे, नंबर ऑफ़ बार्स. अब नंबर ऑफ़ बार्स क्या होता है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे 3 बार आपके दिख रहे हैं, मतलब कि 1, 2, 3 जो सर्कल आपको है वो 3 बार हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बार्स की जगह आप क्या पुट करोगे, 3 इंटू पाई बाई 4, यहाँ पे दिखा है पाई बाई 4 इंटू 5, मतलब डायामीटर की जगह 20. तो 20 पुट करोगे, 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ स्टील क्या है,
निकल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये भी समझ आ गया एएसटी कैसे निकालते हैं। सेकंड अब हम जाते हैं डी माइनस एक्स ए। डी मतलब कि क्या होता है, स्मॉल डी है, स्मॉल डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है इन केस, ठीक है, इन केस नहीं दिया है तो आपको ओवरऑल डेप्थ दिया रहेगा, मतलब कि कैपिटल डी का वैल्यू, और आपको ये कवर का वैल्यू दिया रहेगा। तो आप ओवरऑल डेप्थ में अगर कवर को माइनस करते हो तो आपको तो इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा, या फिर आपको अगर इफेक्टिव डेप्थ और स्मॉल आपको डी डैश दिया हुआ है तो आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको कैपिटल डी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप यहाँ से स्मॉल डी, कैपिटल डी और डी डैश का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर डी डैश निकालना होगा तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो आपको डी डैश मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको स्मॉल डी जो है, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इफेक्टिव डेप्थ, आपको बाकायदा मेंशन रहेगा कि इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी आपको दिया होगा। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे माइनस एक्स ए, माइनस एक्स ए तो हमको निकालना है तो उसको एज इट इज़ रहिए, रहने दीजिएगा, क्योंकि माइनस है तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो वैल्यू आएगा, यहाँ भी एक्स ए के फॉर्म में आएगा, यहाँ भी एक्स ए के फॉर्म में आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट मतलब कि कंप्रेशन साइड इज इक्वल टू टेंशन साइड, मतलब सी इज इक्वल टू टी। तो दोनों की वैल्यू को जब इक्वेट करोगे तो आप जब उसको कैल्सियम में पुट करोगे तो एक्स ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सेकेंड, इक्वेटिंग अबोव इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेट होगा। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या होता है, जिसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एक्स सी एक ऐसा वैल्यू है, क्रिटिकल डेप्थ है, जिससे हमको पता चल सकता है कि आपका डिज़ाइन अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू आपने निकाल ली तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद के मैं आपको डायग्राम में वो और अच्छे से समझाऊँगी। तो एक्स ए निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल, बहुत ईजी। एक्स सी इज इक्वल टू होता है के इंटू डी। अब ये के होता क्या है, के होता है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन, किसके, मिड सेक्शन के बीच का। तो k इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन m इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। एम निकालने का फॉर्मूला ये है 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा सी बी सी। सी निकालने के लिए टेबल देखिए, टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ स्टी, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट देखिए तो आपको सिग्मा सी बी सी मिल जाएगा। सिग्मा एस टी, ग्रेड ऑफ स्टील देखिए और टेबल देखिए, आपको सिग्मा एस टी का वैल्यू मिल जाएगा। सबको पुट करिए, आपका न्यूट्रल एक्सिस निकल जाएगा। अब जो ये न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू आया k का, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, d से। d मतलब इफेक्टिव डेप्थ से। तो यहाँ से आपको आपका जो है एक्स ए और एक्स सी दोनों आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ आया, नहीं समझ आया होगा तो एक बार और अच्छे से देखिएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।